नमस्ते सत्यकाल सलाम अलैकुम। मेरा नाम है सनी और आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी दोस्तों, मैं बहुत दिन YouTube में कोई वीडियो बना नहीं सका, तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आज, ये वीडियो टोटली इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रिलेटेड है। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो या फिर इसमें करियर बनाना चाहते हो, उसको लेके मैं कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए बच्चों, मैंने पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है इंजीनियरिंग को लेके कि आप क्या क्या स्ट्रीम पढ़ सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारा भाग होता है, आईटी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएससी होता है जो मदर ट्रेड होता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये पे बहुत सारा ट्रेड होता है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो कंप्यूटर साइंस को लेके बात करने वाला हूँ। तो जो बच्चे सोच रहे हो कि कंप्यूटर साइंस को लेके पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हो, और उसको भी छोड़ के बहुत सारे इंजीनियरिंग में ऐसे भी होता है जो मेन फैक्टर होता है कि देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट होता है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है, वो अलग बात है। दूसरा बात यह है कि आपको इंजीनियरिंग पढ़ के उसी फील्ड में आपको जॉब करना है, ये दूसरा बात होता है। तो देखिए, आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो, पढ़ने के बाद उसी फील्ड में अगर आप जॉब करने के लिए सोच रहे हो तो आपको उस लेवल का पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इंजीनियर बन गया, अगर आपको बात ऐसे है कि ठीक है नहीं बस मेरे को इंजीनियर जैसे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, सेम ऐसे मेरे को इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करना है, तो फिर ठीक है, तो फिर अगर आपका गोल कुछ और हुआ तो फिर ठीक है। जैसे कि नॉर्मली होता है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे हो गया कि आजकल के दिन पे कोई भी हर कोई इंजीनियर है, अभी आग बंद करके पत्थर फेंको जिसके गांव में जाके लगेगा वही इंजीनियर है आज के दिन पे। मतलब इतना सारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गया, इतना सारा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, हर कोई इंजीनियर है, पर क्या जॉब मिलता है? आपने सोचा है? शायद आप सिविल इंजीनियर हो गए, या फिर आपका कोई दोस्त सिविल इंजीनियर होगा, या कंप्यूटर हो गया, या मैकेनिकल हो गया, या फिर कोई भी स्ट्रीम में कोई भी हो सकता है, पर क्या उनको जॉब मिल रहा है? अभी बहुत सारे बोल रहे हैं कि शर्मा जी का लड़के तो इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है घर में, भाई कोई जॉब नहीं मिल रहा, अभी इंजीनियरिंग करके क्या फायदा? ऐसा नहीं है भाई, आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है ना, तो अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो पढ़ो, पर दिल लगा के पढ़ो, और वो सब्जेक्ट में आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल से एक बात बोलते हो, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर साइंस में जैसे कि होता है कि कोई कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उसको कंप्यूटर साइंस का सेक्टर में जॉब नहीं मिलता। मैं किसी एमएनसी के बारे में नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं लीगल किसी झमेले में नहीं पढ़ना चाहता। तो मेरा एक दोस्त थे, ठीक है, वो हम लोगों के लोकल में किसी कॉलेज से बोल रहे, उसने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की है, तो मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करने के बाद, ये एक साल के पहले के बाद बोल रहा हूँ, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करने के बाद वो मुझसे फोन करके बोल रहा है कि सनी भाई कैसे है? मैंने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोल रहा है कि आप मुझे एक बात बता, मुझे जावा सीखना है, जावा कहाँ से सीखूँ? तो मैंने कहा कि जावा क्यों सीखना है भाई, तू तो मैकेनिकल का स्टूडेंट है, तू ऑटोकैड सीख जाके, तू जावा क्यों सीखना चाहता है? तो बोले कि नहीं, मुझे नौकरी मिल जाए एमएनसी कंपनी में एज ए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर, मुझे जॉब मिल गया। बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ, मैं तो मैकेनिकल का बंदा हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग मिल गया और जॉब भी मिल गया, उसका 4 लाख रुपए का पैकेज भी लग गया साल भर के हिसाब से, ठीक है। अब उसको 4 लाख रुपए का पैकेज मिल गया, एचआर उसको क्या कहा कि आप जाके जावा सीख के आओ, ठीक है, क्योंकि आपका जो जॉब रोल होगा वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का होगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस लेके जो पढ़ना चाहते हैं, आप एक बार समझ लीजिए, आप अगर किसी बड़े एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, इसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस का ही इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस लेके ही पढ़ो। आप किसी और भी स्ट्रीम से पढ़ने के बाद आप कंप्यूटर लेके भी पढ़ के अच्छा सा कोर्स वगैरह करके आप कोई रेपुटेड एमएनसी में जॉब कर सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाएगा, मैं ये नहीं आपको बोल रहा हूँ, पर लगभग क्या होता है, आप किसी भी नॉर्मल एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज ए वेब डेवलपर, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। सॉरी, जैसे कि आजकल होता है कि आप देख सकते हो कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, या फिर वो आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, कहीं से भी हो, वो कहीं से भी एक्स वाई जेड कहीं से भी एक इंस्टीट्यूट में जाके भर्ती होके कंप्यूटर का कोर्स सीख के उसको जॉब मिल जाता है। तो आज का वीडियो यही के लिए है कि अगर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना चाहते हो तो एक बार सोच लो, समझ लो कि सिर्फ जॉब के लिए पढ़ना चाहते हो या फिर आपका पैशन है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे, और आपका जो सोच है इस वीडियो के बारे में आप काइंडली मुझे कमेंट कर कीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात है, अगर आप कंप्यूटर साइंस को लेके ही आगे बनना चाहते हो तो आपका फोकस होना चाहिए एज ए गेम डेवलपर मुझे बनना है, नहीं तो साइबर सिक्योरिटी कुछ बनना है, ठीक है, तब आपके लिए करोड़ों का पैकेज वेट कर रहा है। पर ऐसे सिर्फ अगर 2-4 लाख 5 लाख रुपए कमाना ही आपका ड्रीम है तो आपको कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आप ऐसे भी कमा सकते हो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से जाके कोई ना कोई कोर्स करके। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।